आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पेट विकार के काफी पेशेंट्स मेरे पास में आते रहते हैं। उनके लक्षण जो है वो इस प्रकार रहते हैं। एक तो मुंह में छाले आना, ढकार आना, हिचकी लगना, जी मचलाना, कभी कभी उल्टियाँ होना, सीने में बहुत जलन, ऐसा लगता है कि बहुत एसिड ऊपर आ रहा है और बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, पेट में ऐसा ऊपर के बाजू में दर्द होना, फिर ऐसा बारीक 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 सा दर्द हर जगह होना, छोटा छोटा दर्द ऐसा सब जगह पे होना, गैसेस बहुत पेट में होना, पेट के गैसेस जो है ऊपर चढ़ना, फिर एसिडिटी होने से बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है, फिर गैसेस एक तो ऊपर से पास होते हैं, नीचे से पास होते हैं, लैट्रिन को एक तो बहुत ज्यादा लगती है, उनको 5-6 बार जाना पड़ता है लैट्रिन को, या लैट्रिन फिर 2-2 दिन होती नहीं है, कभी अन्नपचन बिल्कुल ही नहीं होता, उनको ऐसा थोड़ा भी खाया तो ऐसा लगता है कि पेट बहुत फूल गया है। और ये लोगों को काफ़ी चीज़ें चलती नहीं, मतलब ज़्यादा तीखा, ज़्यादा तेल वाला, ज़्यादा नमकीन, मतलब ऐसे कुछ कुछ उनका रहता है स्पेशली कि भाई बैंगन नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, ये चलता नहीं, वो चलता नहीं, ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें उनको चलती नहीं खाने में, भूख उनको लगती नहीं है, और समझो खाया तो वो पछता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अपना पचन हुआ नहीं है, और फिर उनको बराबर नींद नहीं आएंगी, मूड ठीक नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। ये लोग अक्सर सभी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है, मतलब पेट के जो डॉक्टर है, इनके तरफ घूम के मेरे पास में आते हैं। उनके पास में 5-5, 6-6, 10-10 फाइलें रहती है, फाइल्स रहती है, और उसमें सब तरह की जांच, फिर उसमें गैस्ट्रोस्कोपी है, सब तरह की एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, सोनोग्राफी है, फिर सब तरह की ब्लड की जाँच है, सब तरह की जाँच उन्होंने की रहती है। इवन मतलब MRI स्कैन, ब्रेन का MRI क्या रहता है, सीने का एक्सरे क्या रहता है, डॉक्टर उनको लिख दे दे कि चलो ये दवा ले लो, आपका पेट ठीक हो जाएगा। अल्प्राजोलाम नाम की जो टैबलेट 0.25 मिलीग्राम की आती है, ये पेशेंट लोगों को दी जाती है, और ये पेशेंट जैसा किलो में लोगों ने खाए रहती है, मतलब इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पे लोग ये दवाई खाते रहते हैं। फिर पेट का गैस कम करने की, अनाज पचन होने की, या मोटिलिटी जो है, मतलब ऐसा बहुत हेवी पेट हो जाता है तो उसको खाली करने के लिए दवाई है, फिर एक बार ढकार आ जाएंगे तो पेट हल्का हो जाएगा भैया, गैसेस पास हो जाएंगे तो पेट हल्का हो जाएगा, इसके लिए आती है दवाई, तो फिर वो दवाई लोग देते रहते हैं, और फिर उनको मतलब सालों से चालू रहता है। ये होता क्यों है, उनको ऐसा किसको बोला कि नहीं नहीं आपको है ना मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते, क्या मैं पागल हो गया, मैं तो कोई विचार नहीं करता, कोई मुझे टेंशन नहीं है, मगर इनके दिमाग में, मतलब इनके माइंड में कुछ ना कुछ चालू रहता है, और वो जो कारण है साइकोलॉजिकल, वो कारण उनके पेट विकार का रहता है। अब मानसिक कौन से कारण है, एक तो है बहुत ज़्यादा अप्रामाणिकता, मतलब इनऑथेंटिसिटी ऐसा हम बोलते हैं, इनऑथेंटिक बिहेवियर, लाइक ढोंग है, कोई बनावटीपन है, कोई दिखावा है, कोई नाटकीय रंग से मतलब पेश आना है, अप्रामाणिकता है, ऐसा कुछ ना कुछ मतलब मुखौटा पहना हुआ है कि बाहर से एक है अलग से एक है, कुछ तो भी छुपाया हुआ है लोगों से, तो ऐसा फिर उनके मतलब दिमाग में चलते रहता है, और बाहर से दिखावा अच्छा करते रहते हैं। ये लोग खुद के ऊपर प्यार नहीं करते, लोगों के ऊपर प्यार नहीं करते, इनका एक एटीट्यूड रिवेंज फुल एटीट्यूड रहता है, मतलब खुन्नस वाला या बदला लेने वाली वृत्ति इनकी रहती है। ये खुले दिल से लोगों के साथ में बातचीत नहीं करते, मतलब उनके पास में अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा, और मतलब ऐसा है कि जैसा मुझे कुछ बोलना है तो मैं बोलूंगा नहीं लोगों के साथ में, मेरे पास में दबा के रखूंगा, साफ सीधी बात नहीं करूंगा, ऐसा अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन है। ये लोग काफ़ी अपसेट रहते हैं, और ये लोग ऐसे चिड़चिड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, मतलब पैसे का प्रॉब्लम है, आपसी संबंध जो है पति पत्नी के हो, भाई बहन के हो, या माँ बाप के हो, ये खराब है, पैसे में कुछ फ्रॉड किया हुआ है, पैसे में कुछ गलत की हुई है, या माँ बाप से उनका कनेक्शन ठीक नहीं है, या फिर सेक्स में कोई प्रॉब्लम है, मतलब सेक्स में अप्रामाणिकता है, सेक्स में कुछ तो भी मतलब इल्लीगल है, या इमोरल कुछ तो भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चालू रहता है, और वो जो है वो सब दिमाग का लोड, दिमाग का टेंशन सब पेट के ऊपर आता है, और फिर पेट के प्रॉब्लम चालू रहते हैं। कुछ साइंस में मतलब साइंटिस्ट लोगों ने मतलब इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, ये बताया कि लोगों में ब्रेन में जो सेरोटोनिन लेवल कम होती है, डोपामिन लेवल जो कम होती है, उसकी मात्रा ब्रेन में भी कम हो जाती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम सिस्टम जो है उसमें भी सेरोटोनिन जो द्रव्य है, या जो एंडोक्राइनल मतलब हार्मोन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसके वजह से सिम्टम आ सकता है, ऐसा बोला जाता है, गारंटेड नहीं है, मतलब उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि यही है करके कारण, पर ऐसे काफ़ी सारे कारण जो है कि कारणों की वजह से होता है। लोगों को एंटी डिप्रेशेंट हम देते हैं, एंटी डिप्रेशेंट देते हैं, फिर ये पेट फूलने की जो दवाई, मतलब पेट फुलावा जो कम करने की दवाई देते हैं, एसिडिटी यदि है तो एसिडिटी की, पचन होने की
जो दवाई है वो पेट साफ होने की, लैट्रिन लगने की, जो भी सिम्टम है वो सिम्टम्स लक्षण जो है उस लक्षण के दवाई हम दे दे रहे थे, उसके साथ साथ मैं काउंसिलिंग करता हूँ उनको। काउंसिलिंग में जैसा मैंने बताया कि जो भी कारण है, साइकोलॉजिकल क्या कनेक्शन है, वे किसके वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो कारण हम ढूंढ के निकालते हैं। बचपन में क्या हुआ, अभी तक पास्ट में क्या हुआ, कौन सी वजह से इनका दिमाग अस्थिर है, क्या हुआ है बचपन में कि जिसके वजह से ये आज जो बने वैसे बने हुए हैं, तो वो निकालना पड़ता है। इसके साथ साथ हिप्नोटिज्म हम करते रहते हैं, उनको सेल्फ हिप्नोसिस में सिखाता हूँ, सम्मोहन से उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सूचनाएं दी जाती है और वहां से उनको फायदा होता है। कुछ लोगों में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, रैशनल बिहेवियर थेरेपी देते हैं, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी वो देते हैं, काउंसिलिंग में घर के लोगों को भी बुलाते हैं। तो साइकोथेरेपी मतलब काउंसिलिंग, अलग अलग तरह की काउंसिलिंग है, सेल्फ हिप्नोसिस है, मेडिसिन है, नार्कोथेरेपी हम करते रहते हैं। नार्कोथेरेपी में उनको ये पूछते रहते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, कौन सा हादसा हुआ है, मतलब जैसा एक नार्को एनालिसिस के रूप में, और वो सब करके मालूम पड़ता है कि भाई क्या हुआ, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनको लोगों को फायदा होता है लोगों को, और वो अच्छा जीवन उनका जी सकते हैं। एक्चुअली कुछ स्टडीज के हिसाब से 1-2% लोगों को ये प्रॉब्लम है आबादी में, तो भी 130 करोड़ यदि हमारी जनसंख्या है तो हमारे कितने लोग, 102 मतलब 1-2 करोड़ पीपल कम से कम ये बीमारी से मतलब ग्रस्त होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम होगा। ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपने अपने इलाके में उसका इलाज कर सकेंगे, डॉक्टरों को कांटेक्ट करेंगे। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। लोग हमारे यहाँ अकोला में हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ दाखिल होते हैं, भर्ती होते हैं और उनका इलाज हम करते हैं हिप्नोसिस द्वारा या नार्कोथेरेपी से या काउंसिलिंग से, मतलब जो भी उनको, और मेडिसिन देते रहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।